ओम नमः शिवाय। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टूर ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं नाथद्वारा। नाथद्वारा राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। यह उदयपुर से मात्र 50 किलोमीटर दूर है नाथद्वारा। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो शिव की प्रतिमा, हाँ जी दोस्तों, 351 फिट, बिल्कुल दोस्तों 351 फिट ऊँची प्रतिमा बन रही है और पास में बहुत बड़ा मंदिर भी बन रहा है। तो चलते हैं शिव की प्रतिमा की ओर और जितना हो सके आपको दिखाते हैं नज़दीक से। दुर्गेश भाई जी, हरीश भाई चलिए देखिए। हरीश भाई बहुत बहुत बढ़िया है, ये देखिए आप। और दुर्गेश भाई आप लोकेशन देखिए, देखिए चारों ओर पहाड़ियाँ। जी हरीश भाई, ये मेरे को तो हरीश भाई लग रहा है ये पहाड़ को काट के ही बनाई गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रतीत हो रहा है, यूज़ किया है इसने। और दुर्गेश भाई मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, हम जब वहाँ थे गाड़ी में, पहाड़ियाँ जब चढ़ रहे थे और ये जगह करीबन 10-15 से 20 किलोमीटर तो ज़रूर 15 से 20 किलोमीटर दूर ये प्रतिमा हमें दिखाई दी गई थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हमने फैसला किया था यहाँ आना ज़रूरी हो गया है। और जी हाँ, अपने दोस्तों को भी ये चीज़ दिखाई। बिल्कुल काम चल रहा है। और दुर्गेश भाई यहाँ पर, हरीश भाई हम थोड़ा, हमारे साथ थोड़ी मुश्किल तो चढ़ाई हुई है क्योंकि यहाँ गाड़ी पार्क, देखिए आप, नो पार्किंग है, नो पार्किंग है। तो एक यहाँ से करीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है हमको, वापस हमको भी पैदल जाना पड़ेगा। और कोई नहीं कोई नहीं, घूम रहे हैं मस्त। और शिव प्रतिमा ऐसी प्रतिमाएँ कहाँ होती है, और दोस्त लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये घाटी को क्रॉस करके दुर्गेश भाई वापस दिखाएंगे अपने दोस्तों को शिव प्रतिमा। ये घाटियों के नज़ारे दिखा दीजिए दुर्गेश भाई। और अभी बन रहा है दुर्गेश भाई, और मेरे हिसाब से आने वाले 4-5 साल में ये सुपर क्लासिकल बन जाएगा और लोग यहाँ बहुत आएंगे। हरीश भाई ये देखिए पहाड़ के ऊपर होटल बनेगी, होटल है। बिल्कुल दुर्गेश भाई, पहाड़ों के ऊपर होटल बनाई गई है, काफ़ी अच्छा लोकेशन। ये सभी पहाड़ों के ऊपर है देखिए। बिल्कुल दुर्गेश भाई, तो चलते हैं हम वापस मूर्ति की तरफ। हरीश भाई बिल्कुल चलते हैं मूर्ति की तरफ। तो दोस्तों हम काफ़ी हद तक ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं, बहुत ढलान है, कार्य प्रगति पर है। हरीश जी हमारे सामने देखिए आगे जा रहे हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। तो हम वापस शिव प्रतिमा जी हाँ आ चुके हैं उनके पास। बिल्कुल दुर्गेश भाई, कोशिश तो पहाड़ों के साइड से होकर पूरी कर रहे हैं हरीश भाई दिखाने की। अब धीरे धीरे हरीश भाई पूरा दिखने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश भाई, और जो हमारे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं पूरी प्रतिमा देने। वो कहते हैं ना दुर्गेश भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। या और दोस्तों इंतज़ार का फल भी मीठा होता है। बिल्कुल दुर्गेश भाई, अब बहुत अच्छा दिख रहा है। और देखो शिव के चारों पैर भी दिख गए हमें, चार पैर की चार अंगुलियाँ हमें दिख गई दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई जी हरीश भाई, हम चल रहे हैं पहाड़ के ऊपर, चढ़ रहे हैं अपने दोस्तों को पर शिव जी की जो मूर्ति है बनी हुई 351 फीट वो दिखाने के लिए। और दुर्गेश भाई आपको बता दूं, हमारा पहला वीडियो भैरव गुफा वाला वो ऐसे ही हाँ, उसमें भी बनाया था, उसी में ऐसी कठिन चढ़े थी। बिल्कुल बिल्कुल, और आज लग रहा है हम वापिस उसी मोड पर है चढ़ेगी। बिल्कुल, तब दुर्गेश भाई वो वीडियो हमारा बहुत पसंद किया था लोगों ने, और आशा करते हैं ये वीडियो भी पसंद आएगा। दुर्गेश भाई क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम, और तभी दुर्गेश भाई जी हाँ थकावट हो रही है। दुर्गेश भाई मुझे लगता है आप क्यों सफ़र करके आए ना भाई। दुर्गेश भाई जी हाँ, हम सांस भर गए दुर्गेश भाई बोल। ये देखिए हरीश भाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर बोले। तो दोस्तों सांस फूल गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको दिखाने के लिए। हमने देखिए बहुत कोशिश की है, तो हम आ गए हैं शिव प्रतिमा के पास। देखिए कितनी बड़ी है, 351 फीट। जी हाँ, और नीचे देखिए आपका कम से कम इमारत बन रही है 15 मंजिला, उसके ऊपर शिव प्रतिमा को बैठाया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए। जी हाँ दोस्तों, सांस फूल गई है ऊपर चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर,
तो लाइक और शेयर करना ना भूले। जय शिव शंकर भोलेनाथ, बम बम भोले।